नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेन लाइव। तो लोग अभी सिद्धार्थ शुक्ला के खो जाने से खुद को संभाल भी नहीं पाए थे कि अब एक और बुरी खबर बॉलीवुड के गलियारे से आ रही है। खबर है कि अक्षय कुमार की माँ का निधन हो चुका है। जी हाँ, अरुणा भाटिया जी अब इस दुनिया में नहीं रही। 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि उनकी जो सेहत थी वो कुछ दिन से सही नहीं चल रही थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया। लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर हो जाएगी इसका शायद अंदाज़ा अक्षय कुमार को भी नहीं था, और शायद यही वजह है कि अक्षय कुमार ब्रिटेन में शूटिंग कर रहे थे। कल ही जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, क्रिटिकल हो गई है, तो वे आनंद फानंद में वापस मुंबई आए और अपनी माँ के पास पहुँचे। उन्होंने लोगों से दुआएं की कि उनकी माँ के लिए दुआएं करें, लेकिन उनकी माता जी अरुणा जी नहीं बच पाई और इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब दोस्तों, इस निधन के बाद ये भी सामने आ रहा है कि किस वजह से अरुणा जी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। हालांकि पूरी तरह से पुष्टि किसी बात पर नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो अरुणा जी जो हैं वो अपनी कुछ लंबी बीमारियों के चलते बीमार हुई हैं। आपको बता दें कि उन्हें शुगर और ब्लड की इश्यूज थे, इसके चलते वो कई बार बीमार हो जाती थी। इस बार जो ये परेशानी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उनकी उम्र भी कम नहीं थी, वे 77 साल की थी और उम्र से जुड़ी बीमारियां और उम्र से जुड़ी परेशानियां भी वे झेल रही थी। तो इन सारी चीज़ों के चलते जो हैं अरुणा जी इस दुनिया में नहीं रह पाई। अगर ये कहा जाए कि ये नेचुरल डेथ रही तो शायद गलत नहीं होगा। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है, डॉक्टर्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। अक्षय कुमार भी इसको लेकर क्या शेयर करते हैं ये भी देखना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल सूत्र जो बताते हैं वो यही बताते हैं कि उम्र के चलते वे काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, वीक हो चुकी थी, और यही बड़ा कारण रहा। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।